और कल ही हमने कह दिया लागू हो गया। और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, यह आपका अधिकार है। सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है, यह बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो सबसे ईमानदार है। बिहार विधानसभा के अंदर यानी सदन के अंदर के पाठक को लेकर भारी हंगामा हो गया है। विपक्ष ने मोर्चा खोला है और इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने खड़े होकर के पाठक का समर्थन कर दिया है और विपक्ष को जवाब दिया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। खबर अंदर से आ रही है। जी हां, बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीर सामने आई है जहां विपक्ष ने मोर्चा खोला के पाठक के आदेश के खिलाफ। के पाठक ने जिस तरह से आदेश तो जारी कर दिया, स्कूलों का समय तो बदल दिया गया, लेकिन शिक्षकों के साथ छात्रों के साथ खेला कर दिया गया। यानी समय परिवर्तित जरूर हो गया लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही शिक्षकों को ना ही छात्रों को। उसी समय आना है यानी 9 बजे ही आना है और 5 बजे के बाद ही जाना है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है और इस बीच विपक्ष के हंगामे को देखकर सीएम नीतीश कुमार गरम हो गए, खड़े हो गए सदन में और कहने लगे। क्या कह रहे हैं सुनिए पहले आप। ब्लैक के बाद आप लोग जिंदाबाद, आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना, यहां आने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं कर दिया सारा काम, एक मिनट, सारा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप गड़बड़ कर रहे थे तो आप ही लोग कर रहे थे, अभी हम सबको सुधार कर दिया, एक एक काम कर दिया। और अब आप लोग बोल रहे हैं, और कल ही हमने कह दिया लागू हो गया। और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, ये आपका अधिकार है। सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। और आप लोगों को जितना मर्जा करना है उतना जोर से हंगामा करिए, और यही करते करते 2 साल के अंदर आप क्षेत्र में हंगामा करते रहिएगा। तो सुना आपने, के पाठक की पैरवी करने लगे और कह रहे हैं कि वो अधिकारी हैं। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी अधिकारी को कैसे हटवा देंगे? तो के पाठक और सीएम नीतीश कुमार के बीच की बॉन्डिंग सामने आ गई सदन में। किस तरह से खेल किया जा रहा है, के पाठक को आखिर इतनी हिम्मत कौन दे रहा है? सीएम नीतीश कुमार जब सदन में खड़े होकर पैरवी कर रहे हैं, हालांकि कल झाड़ जरूर लगा रहे थे लेकिन आज पैरवी करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ होगा? विपक्ष ने तो मोर्चा खोल ही दिया है और विपक्ष ना पीछे हटने को तैयार है और ना शिक्षक संघ। वैसी स्थिति में के पाठक का अब क्या करेंगे नीतीश कुमार, बड़ा सवाल है। हालांकि सदन में खड़े होकर अभी उनकी पैरवी जरूर कर रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।